साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बच्चों के आकलन के लिए निकलर ऐप एक बेहतरीन टूल है। इसमें हम बहुत सारे बच्चों का आकलन एक साथ एक ही बार में कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो प्रश्न होते हैं वो प्री लोडेड होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप भी इसी तरह के क्विज का निर्माण कर सकें तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, क्योंकि अब क्विज बनाना इस एप्लीकेशन में बहुत ही आसान हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको निकलर ऐप में अपना पिन नंबर डाल करके लॉगिन हो जाना है। इसके पश्चात जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन जनरेट डाउनलोड क्विज। यदि यहाँ पे हम जाते हैं तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आता है जनरेट क्विज का, सेकंड है डाउनलोड सेव क्विज और थर्ड है डाउनलोड स्टैंडर्ड क्विज। तो यहाँ से हम क्विज का निर्माण नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड टॉप में जो थ्री लाइन है इस पे जाना है। इसके पश्चात आपको फोर्थ ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ओन क्विज, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके पश्चात इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, क्विज नेम एसडी ऑनलाइन साला एक महीने पहले बना करके रखा था। इसे आप एडिट कर सकते हैं, प्रश्न जोड़ सकते हैं प्लस के निशान से और डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस भी क्लास के लिए आप प्रश्न का निर्माण करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं कक्षा 6 ले लेता हूँ। इसके पश्चात सेलेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मैथ्स। फिर आपको यहाँ पे क्विज का नेम दे देना है, इंटर क्विज नेम। तो चलिए यहाँ पे मैं इंटर क्विज नेम दे देता हूँ, ये इस तरह से। इसके बाद दो ऑप्शन है कैंसिल और क्रिएट क्विज का, तो आपको क्रिएट क्विज पर क्लिक कर देना है, जिससे यहाँ पे क्विज का निर्माण हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर आ गया, क्विज नेम डेमो 2, सब्जेक्ट मैथ्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी 0 है। अब दोस्तों इस क्विज में हमें क्वेश्चन ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन है, पेंसिल का ऑप्शन है, जिसमें आप ये जो क्विज का नेम है इसे एडिट कर सकते हैं, सब्जेक्ट भी बदल सकते हैं और प्लस के ऑप्शन से आप प्रश्न जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम प्लस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करना है। ऐड क्वेश्चन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं क्वेश्चन टाइप टेक्स्ट और इमेज। यदि आप चाहें तो इमेज भी ऐड कर सकते हैं, इमेज की सहायता से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिलहाल टेक्स्ट ही रहने देते हैं। फिर है नंबर ऑफ ऑप्शन, तो यहाँ पे चार ऑप्शन के प्रश्न हम पूछते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे 3, 2, 5 जितना भी चाहे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल इसे भी हम 4 ही रहने देते हैं। इसके पश्चात यहाँ पे है राइट क्वेश्चन टेक्स्ट हियर, तो यहाँ पे चलिए मैं क्वेश्चन एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। ये मैंने प्रश्न टाइप कर दिया। इसके पश्चात ऑप्शन देना है, ऑप्शन ए में हम दे देते हैं चलिए 0, फिर यहाँ पे दे देते हैं 4 और यहाँ पे देते हैं 2 और यहाँ पे कर देते हैं 6। इसके पश्चात यहाँ पे हमें ऊपर में देखिए करेक्ट ऑप्शन, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसे भी आपको सबसे पहले सेलेक्ट करके रख लेना है। तो जैसा कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है थर्ड नंबर 2, तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे है कैंसिल और ऐड का ऑप्शन, तो हमें ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों, एक प्रश्न आपका ऐड हो गया है, नंबर आपका क्वेश्चन 1 हो गया, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। इसे आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी दिया गया है। और प्रश्न जोड़ने के लिए हमें ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर फिर से क्लिक कर लेते हैं, फिर से यहाँ पर कुछ प्रश्न दे देते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या ये। इसके पश्चात यहाँ पे हम ऑप्शन देंगे, फिर यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए। इसके पश्चात फिर से आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों, आपका सेकंड क्वेश्चन भी ऐड हो चुका है। ये इस तरह से हम प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कंडक्ट क्विज में ये ऑप्शन आते हैं कि नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हमें बैक आना होगा। अब यहाँ हम थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कंडक्ट क्विज। देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन पे आ रहा है क्विज नेम डेमो क्लासिक्स सब्जेक्ट मैथ्स। फिर यहाँ पे है प्रोसीड टू क्विज व्यू क्वेश्चंस, तो चलिए हम व्यू क्वेश्चंस पे क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न हमने बनाया था, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन है 2, करेंट क्वेश्चन 1,
और करेक्ट ऑप्शन है सी। यहाँ से आप देखिए सेकंड क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से आ जाते हैं बैक। अब हमें जाना है प्रोसीड टू क्विज। प्रोसीड टू क्विज पे क्लिक कर लेते हैं। इसके पश्चात क्लास सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए मैं माई ग्रुप्स ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे डेमो आ गया ऑलरेडी। फिर है वांट टू गिव अ रैंडम गिफ्ट, नो रहने देते हैं। फिर आपको टेक अटेंडेंस पे क्लिक कर लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों टेक अटेंडेंस भी हमारा कार्य करने लगा है। इस तरह बड़ी आसानी से आप भी क्विज का निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।